नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान बस और गोलियां चलाई जा रही हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिसके कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। ममता दीदी की परेशानियों को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद से ही वो इसका विरोध कर रही हैं। इस कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। राज्य का अधिकार नहीं होने के बावजूद ममता बनर्जी अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देने की बात कर रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कराया, लेकिन उनका यही विरोध आज उनके लिए मुसीबत बन गया है। मुख्यमंत्री की ओर से मिले इशारे के कारण पश्चिम बंगाल में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हिंसा की ओर बढ़ने लगा है और कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान देसी बम फेंके गए। प्रदर्शन के दौरान गोलियां भी चलाई गयी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति घायल भी हो गया। दरअसल ममता बनर्जी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। सीए का विरोध करते हुए दीदी ऐसे दलदल में फंस गई हैं, इससे निकलने का जितना प्रयास कर रही हैं, उतना ही उसमें धंसती जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी सीए के दलदल में फंसती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना शुरू किया था। उन्हें लग रहा है कि नागरिकता कानून का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खतरा भाजपा से है। पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल की सियासत में भाजपा का कद तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, भाजपा ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी है और टीएमसी को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भाजपा की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा है। उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो सकती है। ऐसे में उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने इस कानून का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी का भी साथ छोड़ दिया, ताकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिले। लेकिन सीएए का विरोध अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने लगी है, इसे रोकना राज्य सरकार का काम है। कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य की है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी ऐसे प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस को सख्ती करने का निर्देश देती है, तो सीएए का विरोध करने वाले लोग नाराज हो जाएंगे, और अगर वो हिंसक प्रदर्शनकारियों को छूट देती है तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा, और साथ ही कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने जिस राजनीतिक फायदे के लिए इस कानून का विरोध करना शुरू किया था, उसका उल्टा असर होने वाला है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होने लगे हैं, जिसके कारण ममता बनर्जी फंसती जा रही हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।